भाई ये बंदा 3 राउंड जीत चुका और मेरे 1 टैप लग ही नहीं रहे एमोनेटेड 7 से। अभी बहुत हुआ यार, 1 टैप कुछ नहीं, अब इसी पर सी बॉडी मारूंगा, 2 गोली भरूंगा इसको मेरा। First blood. भाई एक सेकंड, 2 गोली इसी को बोलते हैं ना? फिर ये 2 गोली में सामने वाले बंदे को क्यों नहीं मारता यार? सामने वाला बंदा लगातार 6 राउंड जीत चुका है, अभी तो मुझे कोई मिरेकल ही बचा सकता। प्लीज भगवान उसको टॉयलेट लगा दो जिससे मैं गेम जीत पाऊँ। okay. यार वो जो से हग नहीं हो रहा है, क्या करूँ? कस्टम भी तो छोड़ के नहीं जा सकता। बहुत प्रो बन रहा था, अभी तो 1 भी राउंड नहीं जीतने दूंगा। मेरा गेम प्ले के सामने उसका गेम प्ले कुछ है। आपकी वजह से नहीं हुआ ये, मेरे गेम प्ले का पावर है, ठीक है? So, what's up guys? कैसे हो आप लोग? I hope सब अच्छे होंगे। तो वैसे आज के वीडियो में आप लोग जानने वाले कि आप एमोनेटेड 7 से शॉर्टेज में 1 शॉट या हर शॉट कैसे मार सकते हो, जैसे कि आप बैग में देख रहे हो, मतलब इससे भी ज्यादा शॉर्टेज में, इससे भी ज्यादा हाँ, इतने ज्यादा शॉर्टेज में 1 टैप कैसे मार सकते हो एमोनेटेड 7 से। आज के वीडियो में जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप एकदम इजीली 1 शॉट मार पाओगे एकदम शॉर्टेज में, शॉर्ट मतलब बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज में, जैसे कि आप बैकग्राउंड में क्लिप देख रहे हो। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना अगर आपको जानना है कि मैं आज की वीडियो में कौन कौन से ट्रिक कवर करने वाला हूँ जिससे आप एकदम इजीली 1 शॉट मार सकते हो, हर शॉट मार सकते हो। तो चलो गाइस बिना कोई डाउट के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस अभी बिना कोई टाइम के हम लोग जान लेते हैं कि आप ऐसे शॉर्टेज में एमोनेटेड से हेड शॉट या 1 शॉट कैसे मार सकते हो। तो मैं सब कुछ आपको क्लिप के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो अभी आप बैकग्राउंड में क्लिप देख रहे हो, इसी क्लिप में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपको कितना ड्रैग करना चाहिए और कौन सा ड्रैग करना चाहिए। और ड्रैग बता दूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको शॉर्टेज में 1 शॉट या हेड शॉट देना है। तो जितना ड्रैग की जरूरत है शॉर्टेज में 1 टैप मारने के लिए, उससे ज्यादा ड्रैग करोगे तो भी 1 टैप नहीं लगेंगे, कम ड्रैग करोगे तो भी 1 शॉट नहीं लगेंगे। इसलिए ड्रैग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और जो ड्रैग कर रहे हो वो सही ड्रैग होना चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मीन कौन सा ड्रैग कर रहे हो वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है शॉर्टेज में। तो बिना कोई डाउट के सबसे पहले ये क्लिप में हम लोग यही जान लेते कि आपको कौन सा ड्रैग करना चाहिए, रोटेशन ड्रैग करना चाहिए, स्ट्रेट ड्रैग करना चाहिए, शॉर्ट रेंज में कौन सा ड्रैग बेस्ट होता है 1 शॉट मारने के लिए, जिससे आप हर एक गोली 1 शॉट मार सको। तो जैसे कि आप बैग में इस क्लिप में देख सकते हो कि मैं रोटेशन ड्रैग कर रहा हूं, और बस इस क्लिप में आप नहीं देख रहे हो, इस क्लिप में देख रहे हो, इस क्लिप में देख रहे हो, और मैंने इस क्लिप के अंदर स्ट्रेट ड्रैग किया, क्योंकि आप लोगों को पता होगा अगर आपका एम एनिमेस के बॉडी के ऊपर रहता है तो स्ट्रेट ड्रैग करना रहता है, दूर रहता है तो रोटेशन ड्रैग करना रहता है, और शॉर्ट रेंज में ज्यादा कर टाइम आपका एम एनिमेस से दूर ही रहने वाला है, बॉडी पे नहीं रहने वाला है। मीन्स आपको ज्यादा रोटेशन ड्रैग करना पड़ेगा, कभी कभार एकदम रेयर टाइम आपको स्ट्रेट ड्रैग करना पड़ेगा। तो मैं आपको दोनों में से कोई एक कंफर्म ड्रैग तो नहीं बता सकता, बट मैं बोलूंगा कि आप ज्यादा का टाइम रोटेशन ड्रैग कर सकते हो, बस कभी कभार अगर आपका एम एनिमेस के बॉडी के ऊपर रहता है तो स्ट्रेट ड्रैग कर सकते हो। तो गाइस ये तो हो गया ड्रैग कि आपको कौन सा ड्रैग करना है, रोटेशन ड्रैग आप ज्यादा का टाइम कर सकते हो। अभी बात करते हैं कि आपको कितना ड्रैग करना चाहिए शॉर्टेज में, जो कि बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप हद से ज्यादा ड्रैग करते हो, कम ड्रैग करते हो, तो आपके 1 शॉट कभी नहीं लगेंगे। और शॉर्टेज में तो ड्रैग आप लोगों को लग रहा होगा बहुत ज्यादा जोर से करना चाहिए, क्या सच में जोर से करना चाहिए? तो हम लोग बिना कोई डाइवर्स के जा लेते इस क्लिप में, जो ये क्लिप देख रहे हो इसी क्लिप में मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि आप इस क्लिप में देख सकते हो कि मैंने ड्रैग किया, और देख सकते हो मैंने कितना ड्रैग किया। मुझे पता आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मुझे हैंडकैम एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो चलो हैंडकैम पे स्विच करते हैं। हाँ, तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने कितना ड्रैग किया, मैंने बहुत ज्यादा जोर से ड्रैग किया, मेरा उंगली देख सकते हो बहुत ज्यादा ऊपर तक है। तो गाइस मैंने शॉर्टेज में इतना ज्यादा जोर से ड्रैग इसलिए किया क्योंकि शॉर्टेज में एक्यूरेसी ज्यादा होता है, और एमोनेटेड 7 का एक्यूरेसी तो आप लोगों को पता ही होगा। बस थोड़ा सा और ऊपर एम करना है। तो ये होता है ज्यादा का टाइम शॉर्ट रेंज में अगर आप धीरे से ड्रैग करते हो, इसलिए जोर से ड्रैग किया करो, एक ही गोली चलाओ, जोर से ड्रैग करो, आपके पक्के 1 शॉट लगेंगे। मतलब अभी कुछ ट्रिक बाकी है इसलिए मेरा अभी नहीं लगा है। तो अभी बढ़ते हैं दूसरे ट्रिक के तब, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आपको सेटिंग में क्या चेंजेस करना चाहिए जिससे आप हर एक गोली 1 शॉट मार सको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेटिंग बता रहा हूँ, कोई हैक नहीं बता रहा हूँ, तो हर एक गोली 1 शॉट तो नहीं लगेगा, बट हाँ आपके चांसेस थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे। वो ये है कि आपको जनरल सेंसिटिविटी को 100 करके रखना है, जो कि आप पहले से करके रखे हो। तो बस आपको सेंसिटिविटी सेटिंग में इतना ही ध्यान रखना था, और कंट्रोल्स में आपको एक और चीज करना है, क्विक ऊपर स्विच बटन यूज करना है जिससे आपके 1 शॉट लगे। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना है, अगर नहीं करते तो मत करो, क्योंकि क्विक ऊपर स्विच बटन से कोई 1 शॉट नहीं लगता, ठीक है? हाँ नहीं तो फालतू है क्विक ऊपर स्विच बटन। हट हट
एक सेकेंड, जो क्यू के ऊपर स्विच बटन यूज करते उससे मैं पूछना चाहता हूँ क्या सच में लगते है? लगते है तो यार कमेंट करके बता दो, मैं भी यूज कर लूँ क्योंकि मेरे नहीं लग रहे है। जोक्स अपार्ट गाइस, सेटिंग में बस इतना ही चेंजेस करना था, क्योंकि बस स्विच बटन का आपके ऊपर डिपेंड करता है, यूज करना है करो, नहीं करना है मत करो, अगर यूज कर रहे तो कंटिन्यू करो, मैं मजाक कर रहा था, आपको ऐसा नहीं करना है कि यूज कर रहे तो मैंने बोला तो नहीं यूज करना है, वैसे नहीं करोगे मुझे पता है, मेरे बात को कोई इतना सीरियस होके नहीं लेता है। अभी बिना कोई टाइम इसके गाइस तीसरे टिक के तब बढ़ते जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एम, आपको एम किधर रखना चाहिए और एम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको शॉर्टेज में वन शॉट देना है तो आपको एम किधर रखना चाहिए जिससे आप हर एक गोली वन शॉट मार सको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम को कंट्रोल कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले के वीडियो में बोला है कि आप एम को कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि आप बैक ऑफ स्लिप में देख सकते हो, मुझे इन एनी कंडीशन में एनिमिस के बॉडी के ऊपर एम रखना है, तो सबसे पहली चीज एक जहाँ पे खड़ा नहीं रहता है, मीन्स एनिमिस एक जहाँ पे खड़ा नहीं रहता है, एनिमिस इधर उधर होता रहता है, तो मैं एम को कैसे कंट्रोल करता हूँ, स्किन को स्वैप करके, और स्किन को स्वैप किस उंगली से करते हैं हम लोग, राइट फिंगर से, और राइट फिंगर से हम लोग करते हैं ड्रैग, क्योंकि ड्रैग बटन होता है राइट साइड नीचे साइड, समझ रहे हो, तो मैं एम कंट्रोल करने बैठा तो ड्रैग कब करूंगा। तो वैसे अभी बढ़ते चौथे टिप्स की तरफ जो कि लास्ट टिप्स और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद मुझे वीडियो खत्म करना पड़ेगा और अलविदा बोलना पड़ेगा, मैं चाहता तो नहीं हूँ, अरे यार ये कब खत्म होगा। तो वैसे अभी बिना कोई डाइवर्स के फोर्थ टिप्स की तरफ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको किसी भी बंदे को शॉर्टेज में वन शॉट देना है तो वो है पोजीशन, मतलब आपका पोजीशन है, आप तो किधर भी बैठ के खेल सकते हो, इधर बैठो इधर बैठो और इधर बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उधर बैठ के खेलते हो मुझे पता है, एंड या हर एक गेम जीतो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बोल के मैंने इतना ज्यादा इंडिकेट कर दिया है। तो गाइस अभी बिना कोई डाउट के हम लोग जानते हैं, अगर आपको किसी भी बंदे को वन शॉट मारना है तो आपका क्या पोजीशन रहना चाहिए, मींस आपके कैरेक्टर का क्या पोजीशन रखना चाहिए जिससे आप हर एक गोली वन शॉट मार सको। क्या सच में कैरेक्टर का पोजीशन मैटर करता है वन शॉट किलिंग? तो गाइस मुझे पता आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे, तो हाँ मैटर करता है, नहीं तो फिर ये करने लगोगे, ये वाला मूनवॉक नहीं, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया यार, ये वाला मूनवॉक करोगे और बंदे को मारोगे, सामने वाले बंदे की रिएक्शन क्या होगी पता दुबे, गाली देता रहेगा आपको, ऐसा मत करो ठीक है, ये पोजीशन से वन शॉट तो लगते हैं बट शॉर्ट रेंज में कभी नहीं मार पाओगे ठीक है, ये मिड रेंज में काम आता है, लॉन्ग रेंज में काम आता है, शॉर्ट रेंज में ऐसा करोगे तो ऐसा होगा ठीक है, तो शॉर्ट रेंज में बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, शॉर्ट रेंज में आप जंप करके वन शॉट नहीं मार सकते हो, एक जगह पे खड़े होकर मार सकते हो, जब आपका पैर जमीन पे टच होना रहेगा तब मार सकते हो, और जंप करके इसलिए नहीं मार सकते क्योंकि अगर आप जंप करके मारे जाओगे तो आपका मूवमेंट अटकता है, और ये मूवमेंट तो बिल्कुल भी मत करना शॉर्टेज में, क्योंकि सामने बंदा थोड़ा सा भी अच्छा रहेगा तो आपको एकदम इजिली मार सकता है, थोड़ा सा मतलब ग्लोअल भी लगाने आता है ना उसको, तो आपको मार सकता है शॉर्टेज में, इसलिए ये लॉन्ग रेंज में ही किया करो और मिडल रेंज में ही किया करो, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप ये मूवमेंट करा करो, क्योंकि इससे आपका मूवमेंट और ज्यादा खराब होता है, और इसको हम लोग जॉयस्टिक मूवमेंट बोलते हैं और मूनवॉक बोलते हैं, तो मत क्या करो। तो चलो गाइस आज की वीडियो इतना, होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पैसा जैसे कि सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग 1 मिलियन के बहुत ज्यादा पास है, और ऐसे सपोर्ट दिखाते रहो, एंड यस आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। तो चलो गाइस आज की वीडियो इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।